हाँ, तो इससे पहले उन्होंने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये सारी चीज़ें पढ़ा था कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ तक हो चुका था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पर बताया था रो एक कांस्टेंट है और रो को नाम क्या दिया गया, रेजिस्टिविटी। एक चीज़ छूट गया था कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम, OHM। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस को ओम में मेज़र करते हैं, 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम, तो रेजिस्टेंस को ओम में मेज़र करते हैं। ओम का सिंबल ये होता है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। अब हम रेजिस्टिविटी पे आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का सिंबल, सॉरी, रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम और उसका सिंबल होता है ये। अब R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ए इंटू में चले जाएगा, तो आर इंटू ए अपॉन एल, ये हो गया रो। तो रो का फॉर्मूला ये हो गया। तो रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्स्टिकल, किसी कंडक्टर, किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की होती है। जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखी है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है, कॉपर की इतनी होती है, तो रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, ना कि अलग अलग वायर की। अगर कॉपर के दो अलग अलग वायर हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, अगर वो दोनों एक ही मटेरियल, एक ही कॉपर के बने हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी वायर के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है कि वायर लंबा है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, वायर छोटा है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, वायर मोटा है तो रेजिस्टिविटी, वायर के फिजिकल फीचर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। ये रेजिस्टिविटी वायर के फिजिकल फीचर पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी ए पे और एल पे डिपेंड नहीं करती है, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, वायर के लेंथ पे, इन चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इससे पहले हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था आर पे भी, सॉरी, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था एल पे भी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था ए पे भी, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर रहा था रेजिस्टेंस, और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा था, मतलब वायर के नेचर पे डिपेंड कर रहा था कि वायर पतला है, लंबा है, कैसा है, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। वायर लंबा है, वायर मोटा है, उससे कोई मतलब नहीं। रेजिस्टिविटी सिर्फ वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वायर किस मटेरियल का है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, नॉट ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ द वायर। अब जैसे फॉर्मूले में देख के तो लग रहा है कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ए भी आ रहा है और रेजिस्टिविटी फॉर्मूले में एल भी आ रहा है, इसका मतलब ए अगर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। फॉर्मूला देख के ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टिविटी ए पे भी डिपेंड कर रही है और एल पे भी, ऐसा लग रहा है फॉर्मूला को देख के, लेकिन रेजिस्टिविटी ए और एल पे डिपेंड नहीं करती। कैसे नहीं करती, इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर ए को हमने डबल कर दिया, ए को हमने 2a कर दिया, डबल कर दिया एरिया को, मतलब वायर, मोटा वायर ले लिया, तो पहले एरिया ए था, मोटा वायर डबल कर दिया, डबल थिकनेस का वायर ले लिया, तो ए को 2a कर दिया, तो अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी ऐसा लग रहा है कि R इंटू 2a अपॉन एल हो जाएगा, तो डबल हो गई 2 इंटू आर ए अपॉन एल, ऐसा लग रहा है ना कि रेजिस्टिविटी पहले आर ए अपॉन एल थी, अब 2 से इंटू, मतलब डबल हो गई, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ने ए को 2a किया तो एक चीज़ नहीं चेंज किया, आर, जैसे ही ए डबल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही डबल होगा, वायर जैसे ही मोटा होगा, तो सिर्फ ए चेंज होगा और आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आर तो डिपेंड कर रहा है ना ए पे, आर तो ए पे डिपेंड कर रहा है, तो ए जैसे ही डबल हुआ, ए जैसे ही डबल होगा, आर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि आर ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ए अगर डबल होगा तो आर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ए के डबल होने पे आर क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये नहीं होगा। जैसे ही ए डबल हुआ तो आर क्या हो जाएगा, आर बाई टू, क्योंकि आर तो डिपेंड कर रहा है एरिया पे, तो जैसे ही ए टू ए हुआ, आर क्या हो जाएगा, आर अपॉन टू हो जाएगा। तो ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2a रख दिया, लेकिन r की जगह पे क्या रखना है, r अपॉन 2 रखना पड़ेगा, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 2 नहीं बचेगा, वही रहेगा, r a अपॉन l ही रहेगा, तो रेजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आया। एरिया को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, तो जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो रेजिस्टेंस जैसे ही आधा हुआ तो फॉर्मूले में जब आर की जगह पे आर बाई टू रखा और ए की जगह पे 2a रखा, तो वो 2 और वो 2 कैंसिल हो गया, फाइनली रेजिस्टिविटी वही रह गई आर अपॉन एल, यानी ए के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी नहीं बदली। क्यों नहीं बदली, क्योंकि ए के बदलने पर आर भी बदल गया,
ए डबल हुआ तो आर आधा हो गया, वो टू और टू कैंसिल हो गया, तो ए जितना टाइम्स बढ़ेगा आर उतना टाइम्स कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा ए के चेंज होने पे भी, भले रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ए आ रहा है, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ए आ रहा है लेकिन तो भी ए के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से एल को अगर चेंज करेंगे, इसी तरह अगर एल को चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे L को हमने चेंज करके क्या कर दिया, 2L कर दिया, डबल कर दिया लेंथ, तो जैसे लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो तुरंत R क्या हो जाएगा, वो भी 2L हो, 2R हो जाएगा। जैसे लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो अब रेजिस्टिविटी निकाल देखते हैं, रेजिस्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ए, तो आर की जगह पर क्या रखना है, 2R, और ए की जगह पर क्या रखना है, ए में तो कोई चेंज नहीं किया तो ए की जगह पर ए रखते हैं, और L का क्या हो रहा है, 2L, तो L की जगह क्या रखेंगे, 2L, तो ये 2 और ये 2 का L कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, R A अपॉन L, यानी L के चेंज करने पे R ने फिर चेंज हो गया, तो रो क्या रहा, रो क्या रह गया, R A अपॉन L वही रह गया। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, लेंथ को डबल किया रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, वो 2-2 कैंसिल हो गया। इस तरह से रेजिस्टिविटी ना ए पे डिपेंड करती है ना एल पे डिपेंड करती है, आर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ द वायर, दैट इज लेंथ थिकनेस, बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.59 × 10⁻¹। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। यहाँ से रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट निकालेंगे यहाँ से, तो आर रेजिस्टिविटी यूनिट क्या, आर की क्या होती है, ओम होती है, एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, और नीचे लेंथ, तो लेंथ की मीटर होती है, तो एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम का सिंबल ये होता है और मीटर का, तो ओम मीटर, ये होती है रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी, इससे हम देख के अंदाज़ा ला सकते हैं कि किस मटेरियल का वायर बनाने पे करंट आसानी से फ्लो करेगी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.59 × 10⁻¹ ओम मीटर, ओम मीटर ऊपर कॉमन लिख दिया है, सबके आगे भी लगा सकते हैं, ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। कॉपर की कितनी होती है, 1.68 × 10⁻¹ तो कॉमन ही है, तो ऐसे इसी को देख के कंपेयर कर लें कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.59 है, कॉपर की 1.68, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है सिल्वर से, कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब कॉपर में करंट को फ्लो करने में दिक्कत ज़्यादा होगी, सिल्वर में कम दिक्कत होगी। तो अगर वायर उनको बनाना हो तो सिल्वर का, सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर, सिल्वर इज़ बेटर देन कॉपर, क्योंकि सिल्वर रेजिस्टिविटी कम है, करंट आसानी से फ्लो करेगी, तो सिल्वर इज़ बेटर देन कॉपर। इसी तरह से कॉपर से ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी, एलुमिनियम की 2.65, तो इसमें करंट फ्लो करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो कॉपर इज़ बेटर देन एलुमिनियम। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी देख के, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा है उसमें करंट को फ्लो करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बढ़ते जाइए, टंगस्टन की 5.6 हो गई, आयरन की 9.71, मतलब लोहे का तार में बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, तो लोहे का वायर तो बनना ही चाहिए। वायर किसका बनना चाहिए, कॉपर या सिल्वर का, तो जनरली कॉपर का ही बनता है, सिल्वर का भी बनता है लेकिन सिल्वर बहुत महंगा हो जाएगा, तो इसलिए सिल्वर का वायर नहीं बनता, मार्केट में लोगों को कॉपर के वायर दिखता है। सस्ते वायर एल्युमिनियम के भी आते हैं लेकिन कॉपर के सबसे ज़्यादा चलते हैं, या तो सिल्वर के या तो कॉपर के, बट सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए कॉपर के ही वायर बनते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बाकी से कम है, कॉपर रेजिस्टिविटी बाकी सिल्वर को छोड़ के बाकी सबसे क्या है, कम है, इसलिए कॉपर का वायर बनता है। आई होप रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा।